लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे में बीजेपी को पश्चिम बंगाल में तगड़ा झटका लगा है। नतीजे के बाद बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पूरी तरह एक्टिव हो गई हैं। इस बीच मंगलवार को कम ममता बनर्जी ने ग्रेटर कूच बिहार पीपुल्स एसोसिएशन के नेता और बीजेपी के राज्यसभा सांसद नगेंद्र रे उर्फ अनंत महाराज से मिलने उनके आवास पहुंची। इस दौरान बीजेपी सांसद ने अपने आवास पर ममता बनर्जी का स्वागत किया। इस मुलाकात को लेकर हलचल तेज हो चुकी है। मिली जानकारी के अनुसार आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ग्रेटर कूच बिहार पीपुल्स एसोसिएशन के नेता और बीजेपी राज्यसभा सांसद नगेंद्र री उर्फ अनंत महाराज से मुलाकात की। इस दौरान ममता बनर्जी ने मदन मोहन मंदिर में पूजा अर्चना भी की। अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीजेपी मंत्री के घर पहुंचकर उनसे मुलाकात करना आसानी से हजम होने वाली बात नहीं है, क्योंकि सभी को पता है कि टीएमसी हमेशा बीजेपी पर विवादित बयान और बातें कहती रहती है। ऐसे में किसी बीजेपी मंत्री से ममता बनर्जी का मिलन महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। बता दें कि पिछले साल गृह मंत्री की मुलाकात के बाद भाजपा ने राज्यसभा के लिए पश्चिम बंगाल से नॉमिनेट किया था। इस वजह से ऐसे भी प्रयास लगाए जा रहे हैं कि भाजपा मंत्री से ममता बनर्जी का मिलना कोई नई बात नहीं हो सकती है। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से ही ग्रेटर कूच बिहार बनाने की मांग हो रही थी। इस मांग को ग्रेटर कूच बिहार पीपल्स एसोसिएशन GCPA के नेता अत्यंत राय ने उठाया था।